देंगे। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी पहलवानों के साथ हुआ, भारतीय पहलवान भी खुद से इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ खुद विनेश फोगाट को बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि फाइनल में वो थी, मेडल उसका पक्का था, गोल्ड या सिल्वर, कि ये समय उसके साथ खड़े रहने का है। ये हिंदुस्तान के लिए भी एक मेडल की हानि है, और सबसे जो पर्सनली अगर आप देखोगे हिंदुस्तान के साथ साथ खुद विनेश फोगाट को बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि फाइनल में वो थी, मेडल उसका पक्का था, गोल्ड या सिल्वर, और जिस तरीके से ओवर वेट होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए वो काफ़ी दुखदाई है। तो मैं यही कहूँगा कि ये समय उसके साथ खड़े रहने का है, क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है, और जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो देश के लिए मेडल जीतता है, देश जीतता है। एक मेडल अनुशासन और विनेश फोगाट को जो अलग से उसको खुद पर्सनली ये मेडल से जो वो नहीं फाइनल पहुँचने बाद भी जो मेडल नहीं मिल पाएगा वो काफ़ी दुखदाई है, और ये इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो मैं बस यही है कि जो भी सिचुएशन हुई है वो बड़ा गलत हुआ है, भारतीय टीम को, भारत को नुकसान हुआ है, विनेश फोगाट को काफ़ी इसका नुकसान हुआ है। एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या सोचते हैं, 100 ग्राम वाली बात हालांकि जैसे कि आई, देखिए ओवर वेट होने में ये प्रावधान है स्पोर्ट्स कोड में, UWWA जो नियम है उसमें पूरा वेट, एक्यूरेट वेट दिखाना होता है। अगर मान लीजिए अगर मैं 65 में खेलता हूँ तो मैं 65-0-0 ही होना चाहिए, 65 से अगर मेरा 10 ग्राम वेट ऊपर है तब भी मेरे को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी पहलवानों के साथ हुआ, भारतीय पहलवान भी खुद से इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो ये विदेशी पहलवानों के साथ भी ये समस्या हुई है, डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये ओवर वेट की वजह से हो जाती है। और इसमें 1% भी कहीं राहत नहीं दी जाती, ये नहीं होता कि भाई किसी का 10 ग्राम वजन ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बारी उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक खिलाड़ी के लिए लेकिन ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, PT उषा जी ने भी हालांकि उनसे बात की है, वो इमोशनल सपोर्ट भी पूरा देश हालांकि उनके सपोर्ट में है, तो एक इमोशनली और टेक्निकली भी समझना चाहेंगे कि क्या फ़र्क जो है वो अब पड़ेगा, जाहिर है एक फर्क तो देखिए सबसे बड़ी बात तो मेडल से दूर मेडल नहीं मिल पाना, इससे ज़्यादा फर्क और इससे ज़्यादा दुख कुछ भी नहीं होता। ओलंपिक मेडल जीतना सभी का सपना होता है, और इतना नज़दीक आने के बाद एक मेडल हाथ में आने के बाद जब ये चीज़ें की होती हैं तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। पर सबसे दुखदाई ये है कि यहाँ भी राजनीति घुसा दी है, इसको अलग अलग एंगल दिया जा रहा है, और हालांकि हर पहलवान को, हर खिलाड़ी को, सभी पहलवानों को खासकर जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको सबको पता है कि क्या UWWA क्या नियम है, क्या क्या कायदे कानून है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सब सबको पता है कि भाई अगर वेट ज़्यादा होता है तो खिलाड़ी को कंपटीशन में बाहर होना पड़ता है, डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि पर हिंदुस्तान में एक समस्या ये है कि आरोप लगाना बड़ा आसान है, यहाँ पे जरूरत थी ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये जो दुख की घड़ी थी उसके साथ खड़े होने की, यहाँ पे लोग अब अपनी राजनीति रोटियाँ सेकने में लग गए, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, जो काफ़ी दुखदाई है और भारतीय खेलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसका एक इसको समझते हैं करीब से, तो क्या कोई भी विकल्प या कोई भी सॉल्यूशन इस चीज़ को लेकर, जैसे विरोध अगर जाहिर किया जाता है इसको लेकर ओलंपिक संघ के, नहीं इसका कोई विरोध नहीं है कि अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो कर दिया गया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जो नियम है उसके नियम हैं, और बड़े इसके सख्त IOC के UWWA बड़े सख्त नियम हैं, इसी में यहाँ पे ओवर वेट वजह की वजह से या कुछ ऐसा हो जाता है, एक बार बाल निकाल देते हैं तो वापस उसको फिर वो अपने डिसीजन को वापस लेते ही नहीं। इसमें अगर ये चीज़ें कभी से चीज़ें होती आई हैं, अगर जो एक बार फैसला कर लिया UWWA ने उससे वो वापस, मतलब इस तरीके के उसमें कभी भी वो अपने डिसीजन से नहीं पलटते। लेकिन बस मेरा लास्ट सवाल ये कि अगर वो रहती तो किस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए जिस तरीके से ओलंपिक चैंपियन को हराना और फाइनल में जाना, तो सभी को उम्मीद थी कि गोल्ड की पूरी उम्मीद थी कि भाई गोल्ड आएगा, और वो पूरे देश को उसका नुकसान हुआ है, खुद विनेश को नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो आपसी बातचीत है वो अलग है, आप मतभेद वो अलग हैं, पर जहाँ भी देश की बात आती है तो देश सभी देशवासी उनके साथ खड़े हैं, और ये दुखी है क्योंकि एक मेडल छिन्ना देश से और खुद के गले से मेडल निकलना तो काफ़ी दुखदाई है। और प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को कहते खुद उन्होंने आगे आकर इस चीज़ को लेकर उनको, देखिए बिल्कुल उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी शायद फ़ोन पर तो बात नहीं की, पर PT उषा जी से बात किया फ़ोन पर,
शायद विनेश से तो बात हुई है नहीं हुई मेरे को इतना नहीं पता, पर पीटी ऊषा जी बात की इसका क्या हल निकल सकता है, जो भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है वो प्रोटेस्ट कीजिए, और पीटी ऊषा जी ने प्रोटेस्ट भी किया है, पर सच्चाई ये है कि कभी ऐसा UWW या IOC कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ना कभी आज तक किया है कि कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया इस तरीके से वेट की वजह से, और फिर उसको वापस ये पॉसिबल ही नहीं।